तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो आपके पास एक एक रोड है, एक सड़क है, और इसके ऊपर गाड़ी चलानी है। और मैंने पूछा आपसे, ठीक है कार चलानी है तो आप कार चलाओ, तो आपकी कार यहाँ से यहाँ आ गई, कार यहाँ से यहाँ आ गई, डिस्प्लेस हो गई, सही है। तो मैंने पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने कहा ठीक है डिस्टेंस जो कवर किया वो 10 मीटर डिस्टेंस मैंने कवर किया। तो मैंने पूछा कितनी देर में कवर किया, आपने पूछा 10 सेकेंड में कवर किया, राइट। तो मैंने पूछा कितनी वेलोसिटी है, तो आपने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी है टोटल जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपके पास आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड, बात खत्म हो गई, डन, एग्रीड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। अब सपोज करो इसके अंदर मैंने ये पूछा, ठीक है यार तुमने टोटल डिस्टेंस 10 मीटर कवर किया और 10 सेकेंड में कवर किया, तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई, एग्रीड, तुम जरा बताओ जरा तुमने कार चलाई तो चलाई कैसे। उसने कहा ठीक है मैं डिटेल में बताता हूँ आपको मेरी कार कैसे चली। तो वो स्टूडेंट कहता है देखो अगर मैं अपने इस 10 मीटर को इंटरवल्स में ब्रेक कर लूँ, कैसे, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और वैसे यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। उसने कहा 10 मीटर को मैंने 2-2 मीटर के इंटरवल में तोड़ लिया, कि मैं डिटेल पूछ रहा हूँ ना तूने गाड़ी चलाई कैसे, ड्राइवर को पूछ रहा हूँ तूने गाड़ी चलाई कैसे। तो ड्राइवर कहता है देखो 2-2 मीटर का इंटरवल था, तो पहले जो 2 मीटर मैंने कवर किए वो तो मैंने 1 सेकंड में कवर कर लिए थे, फटाफट चलाई मैंने गाड़ी और 1 सेकंड में पिकअप मैंने गेन की और मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया। जो आगे था यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक जैम था तो मेरी गाड़ी स्लो हो गई, मुझे ये कवर करने के लिए 3 सेकंड लगे, एग्रीड। फिर अगले 2 मीटर कवर करने के लिए मेरे को 2 सेकंड लगे, ठीक। अगला कवर करने के लिए मेरे को 2 सेकंड लगे, कितने हो गए टोटल, 4, 6, 8, और अगले 2 सेकंड लगे, ठीक हो गया यहां तक। तो मैंने कहा स्पीड कितनी है, वो ड्राइवर कहता है देखो इस इंटरवल में मेरी स्पीड है 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, अगले इंटरवल में मेरी स्पीड है 2 मीटर बाय 3 सेकंड, अगले इंटरवल में स्पीड है 2 मीटर बाय 2 सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल में 2 मीटर बाय 2 सेकंड, अगले इंटरवल में 2 बाय 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। पर मैंने कहा यार तू मुझे बता रहा था कि तेरी स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड है पूरी जर्नी की, जबकि जब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया तो स्पीड तो वेरी कर रही है, कहीं पर तेरी स्पीड 2 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 1, कहीं पर 1 एंड सो ऑन, ठीक। तो उसने कहा देखो ठीक तो है, यहां पर 2 है, बाकी 2/3 है, 1 है, 1 है, 1। तो मैंने कहा आंसर में डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं पहला एग्जांपल पूछता हूं कि तेरा टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, उस हिसाब से तो आंसर 1 है, लेकिन अगर मैं डिटेल पूछता हूं तो कहते हैं कभी मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूं, कभी मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं, तो मेरे स्पीड में फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा और डिटेल बता मुझे, वो कहता और डिटेल सुनो। और डिटेल के अंदर उसने कहा देखो एक्चुअल में अगर और डिटेल करें तो मैं 1 मीटर 1 मीटर के इंटरवल ले लेता हूं और तो क्या ही कर सकता हूं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे इंटरवल ले लेता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना लिया उसने बताया मुझे, कितना, 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ही कवर किया। मैंने कहा कितने समय में कवर किया, तो कहते जो फर्स्ट इंटरवल है वो मैंने कवर किया 1 सेकंड में, जो अगला इंटरवल है वो मैंने कवर किया 2 सेकंड में, जो अगला इंटरवल है वो मैंने कवर किया 5 सेकंड में, तो 7, 8, अगला इंटरवल 0.5 सेकंड में, अगला इंटरवल 0.5 सेकंड में, फिर 0.3 0.2। जब मैंने टोटल टाइम पूछा तो टोटल टाइम का सम क्या आ रहा था, 10 सेकंड। तो मैंने कहा अपनी स्पीड बता, कहते देखो जो पहला इंटरवल है उसमें मेरी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, जो दूसरा इंटरवल है 1 मीटर बाय 2 सेकंड, 1 बाय 5 मीटर पर सेकंड, 1 बाय 0.5 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। अब यहां पर मेरे को और चक्कर आ गए, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, तेरे से अच्छी डिटेल पूछी, क्योंकि पहले तो आंसर 1 बोलता है, फिर 2-2 मीटर में इंटरवल में कुछ और बोलता है, 1-1 मीटर में कुछ और बोलता है, और डिटेल बता। वो कहता है ठीक है और डिटेल बताता हूँ, मैं इंटरवल और ब्रेक कर लेता हूँ, 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, और जब मैंने कैलकुलेशन की फिर 0.5 मीटर के अंदर भी स्पीड्स डिफरेंट आ रही है। मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, और डिटेल बता। उसने कहा 0.25 मीटर 0.25 मीटर 0.25 मीटर 0.25 मीटर, स्पीड फिर वेरी करनी स्टार्ट हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, किसको सही माने किसको गलत माने, राइट, क्लियर है। आप अपना एग्जाम्पल लो, आप मान लो अपने घर से यहाँ पढ़ने आए,
आप गाड़ी में आए, मैंने पूछा कितनी दूर से आए, आपने कहा 500 मीटर दूर से आए, मेरा घर 500 मीटर दूर है, कितनी देर में आए, 15 मिनट में आए, स्पीड क्या थी, आपने 500 मीटर को 15 मिनट से डिवाइड करके आंसर बता दिया, लेकिन आपसे जब डिटेल पूछा गया तो आपसे ये भी आपने ये बताया सर बीच में लाइट्स भी तो आई थी, मैं रुका भी तो था वहां पर मेरी स्पीड तो जीरो हो गई थी, तो मैंने कहा वो तो बताया ही नहीं, तो तू तो मेरे को टोटल बता रहा है कि 500 मीटर बाय 15 मिनट इज द आंसर, इसका मतलब अगर हम डिटेल में जाएं तो गाड़ी की स्पीड कभी कांस्टेंट होती नहीं है, प्रैक्टिकली सड़कों में जो गाड़ियां चल रही हैं वो कभी स्पीड बढ़ाती हैं कभी कम कर रही हैं, हर वक्त स्पीड की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, हर वक्त स्पीड वेरी कर रही है, मानते हो इस चीज को। अब डिटेल अगर और बढ़िया और एक्यूरेसी पे जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस केस में आपको अपने इंटरवल को और तोड़ना पड़ेगा, 0.001 मीटर, 0.001 मीटर, 0.001 मीटर, 0.001 मीटर, कोई कहता नहीं सर मेरे को और एक्यूरेट करना है, तो भाई तू कर ले 0.0001 मीटर, 0.0001 मीटर, कोई कहता और करना है 0.0001 मीटर, 0.0001 मीटर, भाई ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इंटरवल तो खत्म ही नहीं होंगे, जितनी मर्जी जीरो लगाते रहो बैठ के, क्योंकि आप तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी करते रहोगे, और कंप्यूटर आज के दिन में इतने कॉम्पिटेटिव हैं तो वो तो किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे, तो इंटरवल कहाँ तक जाएगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं कभी एक्यूरेट चीज़ निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्या मतलब आज के टाइम में हम वेलोसिटी भी निकाल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटरवल कहाँ तक लेके जाएंगे हमें मालूम ही नहीं है, बट हाँ एक बात समझ में आती है कि बड़े इंटरवल को अगर मैं छोटे छोटे इंटरवल में लेता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ती है, तो मेरे को पता लगता है कि एक्चुअल में स्पीड कैसे चेंज हो रही थी, ये मैं बता सकता हूं अगर मेरे इंटरवल्स क्या होंगे थोड़े से छोटे होंगे, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक। अब न्यूटन सेम समस्या में फंस गया, एक्चुअल कहानी है न्यूटन ने यही से स्टार्ट किया था, और न्यूटन ने जो ये कैलकुलेशंस की उसके अंदर उसको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल नहीं रहा था कि एक्चुअल में गाड़ी चल कैसे रही है। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो अकेली फिजिक्स है उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, आपको मैथ्स की एक ब्रांच सीखनी पड़ती है, जैसे मैथ्स की कई ब्रांचेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, ज्योमेट्री एक ब्रांच है, मेंसुरेशन एक ब्रांच है, ऐसी एक और ब्रांच है जो प्लस टू के अंदर 3 महीने के आसपास या 2 महीने के आसपास मैथ के टीचर बहुत डिटेल में करवाते हैं, और उसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस फिजिक्स का पार्ट नहीं है, कैलकुलस मैथ का पार्ट है। ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको क्या नहीं आएगा, कैलकुलस। अब एक तरीका, हम वेट करते हैं आपकी जब प्लस टू हो जाएगी ना तब फिजिक्स सिखा देंगे, क्योंकि आप कैलकुलस सिखाएंगे, मेडिकल वाले कहेंगे यार हमें तो कैलकुलस को सिखाएगा नहीं, हमें मैथ्स ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा आपको। तो पहला हफ्ता हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैलकुलस पढ़ेंगे। न्यूटन ने कैलकुलस सीखा नहीं, न्यूटन हमसे इंटेलिजेंट ही होगा, उस टाइम कैलकुलस उसने बनाया, हम सीख रहे हैं वो बनाता है, ठीक। तो उसने पहले मैथ्स की ब्रांच बनाई कैलकुलस, उसके फॉर्मूला ड्राइव किए, फॉर्मूलाज बनाए, फिर उसने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हम तो छोटी चीज है, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे, इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व भी करेंगे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, पर हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, और क्या स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस सीखने के बाद फिर हम इस ब्रांच में इस प्रॉब्लम में वापस आएंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो हम कहां फंस चुके हैं, हम मैथमेटिक्स की ब्रांच में फंस चुके हैं, और जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे हमारा आंसर नहीं आएगा, कोई डाउट इसमें। तो फिर कैलकुलस के बारे में अगर हम बात करें, तो कैलकुलस के बारे में तो चलो आराम से बात करेंगे ही करेंगे आज के लेक्चर में, पहले कुछ फिजिक्स की और बात करते हैं, ठीक। इसी एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया कि एक बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इंटरवल्स में ब्रेक किया। हम फिजिक्स वाले लोग ऐसे बात नहीं करते, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने 2 मीटर दूरी कवर की, मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, भाई कहां से किया, उस दीवार से किया, उस कंप्यूटर से किया, आपसे किया, या आपसे दूरी 2 मीटर है, बताना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया,
कहां से किया बताना जरूरी है। कहां से किया को फिजिक्स में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो बताना जरूरी है कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कि 2 मीटर की दूरी कहां से कवर हुई। तो आपके फिजिक्स के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे, यहां से आप लिखना भी शुरू करेंगे कि सपोज ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। और सबको पता है ये क्या है, ये ओरिजिन है। 0.0 क्या है, ओरिजिन है, नोट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम्स को बताना आना चाहिए। मतलब इतनी लंबी कहानी तो नहीं सुनाएंगे ना फिजिक्स में, ऑब्वियसली कुछ छोटी टर्म्स और इसकी कुछ टर्म्स यूज करेंगे। तो जो रेफरेंस पॉइंट है हम क्या लेते हैं, ओरिजिन। किसी ने बोला क्या ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा, नहीं नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं, आप दीवार लें, कंप्यूटर लें, जो मर्जी लें, पर मैं और बाकी फिजिक्स के ज्यादा लोग ओरिजिन लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड आंसर सबके मैच करें, राइट, क्लियर है यहां तक। तो ओरिजिन लेते हैं। जैसे कार है, एक कार सपोज यहां पे है, ठीक, और वो कार थोड़ी देर में यहां पे आ गई, ठीक है। अब क्योंकि कार किस एक्सिस पे चल रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो लेट अस सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर 2 मीटर है, 2 मीटर है, और फाइनली इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स टू वो कितने मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं ये पूछूं कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, बोलो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की यहां से यहां जाने में, 8 मीटर, एग्रीड, 8 मीटर, राइट, यहां तक बना लो प्लीज। तो बॉडी ने यहां से यहां कवर करने में 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। तो आप मेथड देख रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलना 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ना 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 ना, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स का 2 मीटर है, फाइनल कोऑर्डिनेट यहां पर 10 मीटर है, माइनस किया 8 मीटर है। कोई कहता है सर ओरिजिन, मैं रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं लेता, तो मैंने कहा क्या लेता है, वो कहता है रेफरेंस पॉइंट ये लेता हूं जहां बॉडी स्टार्ट हुई। भाई ठीक है, अगर तू यहां पर रेफरेंस पॉइंट लेता है तो इसका कोऑर्डिनेट 0.0, तो इसका कोऑर्डिनेट 8.0 होगा, क्योंकि एक्चुअली तो 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वो आपकी मर्जी है आपने ओरिजिन कहां लेना है, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 8 है तो वो 8 ही रहेगी, ठीक है। फिजिक्स के अंदर एक और चीज है, आप अपने जेब में हमेशा एक स्टॉप वॉच रखोगे, नहीं एक्चुअल रखोगे नहीं, माइंड में रखोगे स्टॉप वॉच। जब ये गाड़ी चली थी तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या था, T1 इक्वल टू 0, भाई चली थी तो ऑन किया 0, और थोड़ी देर के बाद जब ये यहां पर पहुंची T2, तो यहां पर स्टॉप वॉच का टाइम क्या था, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ही दूरी कवर हो गई। तो अगर मैं ये पूछूं टोटल टाइम बॉडी ने कितना लिया यहां से यहां जाने में, तो आंसर क्या होगा, 2 - 0, 2 सेकेंड, एग्रीड, यहां तक क्लियर है, बना लो यहां तक, ठीक है, डन। तो अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है टोटल टाइम 2 सेकेंड है, आप मुझे ये बताएं कि इसमें वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी, तो ठीक है किसी ने कहा प्रॉब्लम क्या है इसमें वेलोसिटी निकालने में, फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और टाइम में क्या करेंगे, 2 सेकेंड माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा, 8 मीटर / 2 सेकेंड, यानी कि 4 मीटर/सेकेंड। क्या ये पॉइंट यहां सबको क्लियर है? अब प्रॉब्लम तो वहीं पर है, ये एक्चुअल वेलोसिटी थोड़ी ना, क्योंकि जब मैं कहूंगा इंटरवल छोटे कर दो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम, तो ये एक्यूरेसी के साथ थोड़ा ना काम हो रहा है। तो इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो इसका नाम है एवरेज, ये वर्ड जरूर लगाना है एवरेज, तो यानी कि आप जो छोटी क्लास में अभी तक करके आए हैं, जो भी 9th-10th में, वो एवरेज पे काम करके आए हैं, आपने एग्जैक्ट काम तो किया ही नहीं, आपने तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही किया आज तक, एस इज इक्वल टू वीटी और फिर v इज इक्वल टू s1t, तो क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो एवरेज दे रहा है, अंदर क्या हो रहा है वो तो डिस्कशन ही नहीं हुई, तो अंदर की डिस्कशन कौन करेगा, +1 के अंदर हम करेंगे इस चैप्टर में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो अंदर की डिस्कशन हम करेंगे इसमें। तो अब इसके अंदर जब मैं टोटल बाय टोटल बोलूंगा तो आपने वर्ड क्या लगाना है, एवरेज। अब आपने सुना होगा एवरेज वेलोसिटी छोटी क्लास में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे सुने, यही तो मैं कर रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एग्जैक्टली सेम।
अब एक और चीज इसके अंदर, अब ध्यान से देखना कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, क्या मैं उसको ऐसे लिखूं 10 मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x2, 2 मीटर की जगह x1, 2 सेकंड की जगह t2, इसकी जगह t1। तो आप समझ पा रहे होंगे दिस इज दी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फाइनल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, लिख लो एक मिनट यहां तक। तो ये भी तरीका है लिखने का, राइट? हर बार 2 मीटर 10 मीटर थोड़ी ना गिवन होगा, हर बार तो इसमें x2 x1 t2 t1 गिवन होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्लेसमेंट कैसे करनी है, x2 बाय x माइनस x1 और t2 माइनस t1 एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आपने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या टोटल चेंज इन टाइम, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है टोटल चेंज इन टाइम। तो फिजिक्स में चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज। तो क्या चीज चेंज हो रही है इसमें, एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो न्यूमिनेटर में x2 माइनस x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। तो डेल्टा x का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ x, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा t का मतलब टोटल चेंज इन टाइम। पॉइंट समझ में आया? तो आज के बाद एवरेज वेलोसिटीज आपको फिजिक्स की किताबों में ऐसी दिखेगी, डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब आपको समझ में आएगा कि एवरेज वेलोसिटी ऐसे क्यों लिखते हैं। क्लियर है यहां तक, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो टोटल चेंज, चेंज को डेल्टा, और क्या चीज चेंज हो रही है, एक्स। क्या चीज चेंज हो रहा है, टाइम। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आंसर। कोई डाउट इसमें? तो एवरेज वेलोसिटी लिखने का तरीका समझ में आ गया, ठीक। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि एवरेज वेलोसिटी तो लिख दी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड कौन है? मेरे को तो अंदर की वेलोसिटी निकालनी थी, ये तो मैं घर से सीख के आया हूं, एवरेज वेलोसिटी तो 9th क्लास में सिखाते ही हैं आपको। मेरे को तो अंदर हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है मुझे तो वो निकालना है। तो अगर आपको हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है वो निकालना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंटरवल छोटा लेना पड़ेगा। डेल्टा एक्स तो बड़ा इंटरवल है, x2 माइनस x1 बड़ा इंटरवल है, आपको क्या करना है छोटा। कितना छोटा? 0.5, 0.25, 0.02, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0000001 की 0.0000001। जीरो लगाने की लिमिट थोड़ी ना, जितनी मर्जी लगा लो। अब यहां एक प्रॉब्लम है, मैं छोटा इंटरवल क्या लूं ताकि मैं एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकूं उस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, एक तरीका निकाला गया, क्योंकि लिमिट तो है नहीं इंटरवल निकालने की छोटे। इसके लिए एक टर्म निकाली गई, उस टर्म का नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज। लिख लो स्मॉल चेंज, डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज। ठीक है, कितना स्मॉल चेंज? इतना स्मॉल चेंज कि इससे छोटा चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो यानी कि जीरो को अप्रोच करेगा, तो स्मॉल चेंज कितना, जैसे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, इसका स्मॉलेस्ट चेंज क्या होगा, 0.00000000, नहीं वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी, बस ये है कि बस बहुत छोटा। तो डेरिवेटिव का मतलब बहुत छोटा चेंज। अब जैसे मान लो आपके पास ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स तो बड़ा चेंज है, तो मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की यहां से यहां, वो कितनी कवर की, एक्स, या चलो टोटल चेंज कितना है, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 करके डेल्टा एक्स आता है। पर मेरे को तो ये नहीं चाहिए ना, मेरे को तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका बहुत छोटा इंटरवल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 मीटर को 2 मीटर में, 1 मीटर में, 0.5 में, और पता नहीं क्या कुछ। तो मैं वैल्यू तो असाइन कर नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू की तो लिमिट ही नहीं असाइन करने की। तो सबसे छोटा इंटरवल, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो वो डेरिवेटिव होगा उस छोटे इंटरवल की, इससे छोटा इंटरवल पॉसिबल नहीं है, वो सबसे छोटे इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डीएक्स। डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स
यानी कि स्मॉल चेंज इन एक्स, डी ऑफ एक्स का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। कितना स्मॉल चेंज भाई, इससे छोटा मत मांगना, इससे छोटा हो नहीं सकता, बात खत्म। आप पूछोगे ये है कितना छोटा, मैं बोलूंगा अप्रोचिंग टू जीरो है, पर जीरो नहीं है, जीरो के करीब जाके है, कितना वैल्यू नहीं है इसके। तो आपने इसको क्या साइन किया, dx, दिस इज द स्मॉलेस्ट चेंज, राइट। ये लिखने का तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, आज के लेक्चर में सब समझ में आएगा। मतलब आज जब लेक्चर खत्म होगा वो सारी कहानी, कैलकुलस, मोशन सब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो ये सबसे छोटा चेंज है, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अगर आपकी गाड़ी यहां से यहां, और ये दिख रहा है छोटा चेंज, कितना बड़ा है ये, इतना बड़ा थोड़ी ना है, ये तो 0.000 समथिंग है, ये तो डॉट भी नहीं दिखेगा, डॉट से भी छोटा है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको करके डीएक्स है, एक्चुअल में दिखेगा नहीं है, तो बहुत ही क्योंकि छोटा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है काम। अब अगर कोई गाड़ी इतने छोटे इंटरवल को कवर करेगी तो समय भी कम लेगी, और कितना समय लेगी, सबसे छोटा डीटी, क्योंकि टाइम का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा भैया। अब जब डिस्टेंस छोटा है तो समय भी कम लेगी, डीटी, राइट। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, डीएक्स बाय डीटी। भाई छोटा इंटरवल के छोटे इंटरवल से क्या किया, डिवाइड। भाई अगर डेरिवेटिव एक्स है तो डेरिवेटिव टाइम भी है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में डीएक्स हो गया, डिनोमिनेटर में डीटी हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं टोटल चेंज बाय टोटल चेंज लेता हूं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, फिर तो कौन सी वेलोसिटी आती है, एवरेज। पर अगर मैं स्मॉल चेंजेस के साथ लेता हूं तो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी, बस वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इसलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dx by dt is instantaneous velocity. Right, clear है? अब problem ये है हमारी कि यहां तक तो कोई problem थी नहीं, 10 meter by 2 meter ठीक हो गया, answer आ गया था। Problem ये है कि इसकी values तो मुझे पता नहीं, तो मैं उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल लूं कैसे? तो रूल नंबर वन, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या, कैलकुलस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चीजें निकालने के लिए ही कैलकुलस बना हुआ है। तो मेरी प्रॉब्लम यहां पे अटक गई, क्योंकि मैं अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अब क्या सिखाना पड़ेगा, कैलकुलस। कैलकुलस सीखने के बाद मैं वापस आऊंगा और इस एग्जाम्पल को फिर से कंटिन्यू करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मतलब मैं आपको फिजिक्स में बस इतना ही बता सकता था कि एवरेज वेलोसिटी तो आप निकाल लोगे, पर किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहां अटकना पड़ेगा और वो कैलकुलस पे जाके वापस आके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हमारी फिजिक्स आगे कॉन्टिन्यू हो नहीं सकती जब तक हम क्या नहीं सीखेंगे, कैलकुलस। किसी ने पूछा कैलकुलस में टाइम क्या लगेगा, मैंने कहा यार 7-8 दिन लग जाएंगे कम से कम। 7-8 दिन में कितने नंबर का आएगा, जीरो, एक भी नंबर का नहीं आएगा पेपर में, ये एक भी नंबर का, क्यों, ठीक है आपको फिजिक्स ही नहीं आएगी कैलकुलस के बिना, तो टीचर को चेक करने की जरूरत क्या, कैलकुलस। जब कैलकुलस नहीं आएगा तो आगे चैप्टर्स ही नहीं आएंगे, बात ही खत्म, फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको बोला जाता है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल का मतलब वो टूल जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है। तो हम इतना मैथ करेंगे कि मेडिकल नॉन मेडिकल में 2 साल में जितना कैलकुलस चाहिए होगा इन 4 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। 2 साल के लिए आपको कैलकुलस की कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी आपको सब समझ में आएगी और करना भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? वैसे बहुत बड़ा कैलकुलस होता है, हम उतना ही करेंगे जितनी हमारी जरूरत है, क्योंकि तो लिमिट ही नहीं कैलकुलस करने की, तो हम उतना की करेंगे जो फिजिक्स में चाहिए होगा, बस। क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। जैसे सपोज ये एक टैप लगा हुआ है और पानी भर रहा है इसमें, अगर पानी भर रहा है तो सपोज पानी इसमें ऑलरेडी था, भी कितना था यहां पर, वॉल्यूम 2 लीटर था, पानी भरना स्टार्ट हुआ और वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली 10 लीटर हो गया, पानी भर गया 10 लीटर। आपने स्टॉपवॉच तो लगाया ही हुआ था, तो
तो यहां पर टाइम की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 0 सेकेंड थी, और यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड हो गई, 5 सेकेंड में पानी भर गया। तो अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी किस रेट से इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, तो रेट का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। सुना होगा आपने मेंस्ट्रुएशन में रेट ऑफ फ्लो वाटर का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऐसे करूंगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि v2 कितना है, 10 लीटर माइनस 2 लीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड माइनस 0, तो कितना आ गया, 8 लीटर बाय 5 सेकेंड, ये आ गया। पर मैंने शायद कुछ गलत लिखा, क्या मुझे यहां पर क्या मेंशन करना चाहिए, वर्ड एवरेज। क्यों, क्योंकि मैंने टोटल वॉल्यूम को टोटल समय से क्या कर दिया, डिवाइड। तो एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है टैप का। पर जब मैं अपने घर में बाल्टी भरता हूं ताजे पानी की, पानी ऐसा आता ही नहीं है, 8 साढ़े 8 भर के देखो, कभी तेज आएगा कभी स्लो आएगा, बंद भी होता है बीच में कभी कभी, फिर तेज हो जाएगा फिर स्लो, तो कहां रेट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो कभी रेट ज्यादा दिखेगा, कभी रेट कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो यानी कि हर इंस्टेंट पे रेट क्या हो रहा है, चेंज। और अगर हर इंस्टेंट पे रेट चेंज हो रहा है तो मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो। बोलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वी बाय वी, एक्स नहीं यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर एक्स चेंज नहीं हो रहा, यहां पर वी चेंज हो रहा है, तो डी वी बाय डी टी, क्योंकि मैं स्मॉल वॉल्यूम लूंगा क्योंकि डेल्टा वी की जगह, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं डेल्टा वी को डी वी बना दूंगा डेरिवेटिव, और डेल्टा टी को डी टी बना दूंगा, तो क्या बनेगा, डी वी बाय डी टी। तो ये क्या बना, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो है जो हर इंस्टेंट पर वैल्यू को क्या करेगा, चेंज। मेरी फिर कोई प्रॉब्लम, मैं इसको तो सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे क्या नहीं आता, कैलकुलस, तो फिर से फंस गए। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्ड जब आएगा तो बिना कैलकुलस के सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। क्लियर है यहां तक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलस समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। चलेगी नहीं गाड़ी, ठीक। तो पूरे इस लेक्चर में आपको एक बात समझ में आई कि अगर आपको
कोई भी चीज़ एवरेज निकालनी है सिंपल, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे, तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। ठीक, अब एक चीज़ देखें कि एवरेज वर्ड में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। अब एक मैथ्स का तरीका है, ये ऑप्शनल है, वैसे हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको वो लैंग्वेज समझ में आए। लैंग्वेज ये कि मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज है, डेल्टा एक्स इंटरवल बहुत बड़ा है, डेल्टा टी बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दो, जितना छोटा कर सकते हो छोटा कर दो। आपने कहा ठीक है जी डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ऐसे किया। मैथ्स में इस बात को ऐसे समझाते हैं कि छोटा इंटरवल का मतलब डेल्टा टी टाइम बड़ा नहीं है, डेल्टा टी टाइम बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? डेल्टा टी इतना छोटा है कि 0.00000001 यानी कि अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी मच नियर टू जीरो। तो यानी कि जो लिमिट है इसको बोलते हैं मैथ्स में लिमिट। लिमिट का मतलब है कि जो डेल्टा टी की लिमिट है अप्रोचिंग टू जीरो, इसको बोलते हैं अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के बहुत करीब है, जीरो के बहुत करीब का मतलब क्या है, डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल। तो जब डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाएगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, डी टी। भाई डेल्टा टी वेरी 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 स्मॉल का मतलब क्या है, डी टी आना। जब डेल्टा टी छोटा है तो डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि टाइम कम है तो एक्स ऑटोमेटिकली कम है। तो इसलिए नीचे सिर्फ डेल्टा टी जीरो लिखने की, अप्रोचिंग टू जीरो लिख दो, डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली जीरो को अप्रोच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल। मतलब अगर कोई बुक ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात एक ही है, लेकिन अगर ऐसे लिखे फिर बात अलग है, क्योंकि इसका मतलब है एवरेज, इसका मतलब एवरेज था, पर क्योंकि डेल्टा टी आपने छोटा कर दिया तो ये टर्म किस में कन्वर्ट होगी, डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये और ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। ऑब्वियसली ये क्यों लिखेंगे, सीधा डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, पर मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई किताब ऐसे लिखती है आपको समझ में आएगा कि वो इसको इसके इक्वल क्यों डालती है, क्योंकि इंटरवल को बहुत ज़्यादा क्या ले रही है, स्मॉल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम यही करेंगे, एवरेज है तो डेल्टा में काम करेंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस है तो डेरिवेटिव में काम करेंगे, सिंपल, हम इसका चक्कर नहीं डालेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पर मेरा बताना फ़र्ज है, क्योंकि आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें लिमिट लिखा होगा, आप घबरा जाएंगे यार पता नहीं कौन सी लिमिट आ गई, मुझे करवाया ही नहीं है, तो इसलिए बता दिया कि ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इसको करने की। ठीक, ठीक है। अब एक बात तो हो गई पक्की कि हम अपनी फिजिक्स अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या नहीं आता, कैलकुलस। तो फिर क्या स्टार्ट करें, कैलकुलस। तो फिर लिखो, हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसकी दो ब्रांचेज हैं फर्दर, हम इस हफ्ते दोनों करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है टू फाइंड रेट
ऑफ चेंज टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कोई चीज चेंज हो रही है, इज डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. अब रेट ऑफ चेंज कैसे, कोई चीज समय के साथ चेंज हो रही है, जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है समय के साथ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर चार्ज चेंज हो रहा है वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है समय के साथ चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कुछ भी. तो कोई भी चीज चेंज हो सकती है, जैसे टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट किसके साथ चेंज हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वायर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक. अब एक चीज ध्यान से देख लेना प्लीज, वो क्या, जब मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये रेट हर वक्त चेंज हो सकता है. देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नलके में पानी तेज आ रहा है कभी स्लो आ रहा है, कभी तेज आ रहा है कभी स्लो आ रहा है, तो रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. आपकी गाड़ी कभी तेज चल रही है कभी स्लो चल रही है, कभी तेज चल रही है कभी स्लो चल रही है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज. वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते क्या है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हर बार आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं है, आपकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, चेंज. तो आप क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लिखने का तरीका देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को लिखते हैं dx by dt. ध्यान से देखना आगे, डिफरेंसिएशन ऑफ x, इसको रीड किया जाएगा डिफरेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि डिफरेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डिफरेंसिएशन ऑफ टाइम, नहीं 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 नहीं, मैथ्स का तरीका है, d स्टैंड फॉर डिफरेंसिएशन ऑफ x, नीचे वाली टर्म को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखते dt है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे डिफरेंसिएशन ऑफ वॉल्यूम v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt. डिफरेंसिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इसको लिखने का तरीका क्या है डिफरेंसिएशन को. जब हम ये बोलते हैं कि टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज को लिखने का तरीका dx by dt, तो ये लिखने का तरीका है. जहां हम फंसे हुए थे याद है dx by dt, एक्चुअल में क्यों फंसे हुए थे, क्योंकि हम निकाल नहीं पा रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब dx by dt, और dx by dt निकालने के लिए कैलकुलस सीखना पड़ता है. तो पहले बोलना सीख लें, तो dx by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब कोई कहेगा सर आपने तो डेरिवेटिव बताया था, डी फॉर डेरिवेटिव. हाँ बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, मैं इसमें एक्स का क्या ले रहा हूं, डेरिवेटिव. एक्स का डेरिवेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू बहुत 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 क्या ले रहा हूं, छोटी. विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टाइम नहीं बोलना, एक ही जगह बोलना होता है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना है. तो न्यूमिनेटर में क्या बोलना है, मैं क्या ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है. तो बोलना और लिखना आ गया, राइट, क्लियर है यहां तक. तो मैं एक बार, आप एक बार लिख लें ये, फिर एक बार फिर दिखाता हूं और यूज भी करके दिखाऊंगा अभी.
ठीक है। अब जैसे सपोज आपको इसमें अब कई नाम हो गए, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं ये बोलता हूँ कि टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखूं, डी वाई बाय डी टी, राइट, सही है। तो या तो ये लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है, एक ही बात है। या फिर सीधा बोला जाएगा डी वाई बाई डी टी, ये सबसे आसान है, डी वाई बाई डी टी बोल दो, डी वाई बाई डी टी। वैसे ज़्यादातर हम डी वाई बाई डी टी बोलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वी आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वाई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो बोलने की और लिखने की बात है, अब प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में ये इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, और वो न्यूटन की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि हम वहाँ तो फंसे ही बैठे हैं, वापस मुझे वापस जाना ही जाना है। तो पहले हम कैलकुलस के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने सिखाया, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज को एक बार देखते हैं, उसके बाद वो फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपनी वो फंसी हुई प्रॉब्लम को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो डिफ्रेंसिएशन है क्या चीज़, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, सिंपल। कोई पूछ ले क्या सीखा, डिफ्रेंसिएशन, क्या होती है डिफ्रेंसिएशन, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ। कैसे सीखेंगे या कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप बोलना इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उसमें से लिखें फॉर्मूला नंबर वन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, फॉर्मूला नंबर वन, ये शायद आप आंसर दे भी पाए। पहला फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स। बोलो क्या हो सकता है, मन क्या बोल रहा है, वन बोल रहा है, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, हाँ तो सही बोल रहा है, इसका आंसर वन ही है, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आंसर तो वन ही आएगा। तो यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वन। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं डी वाई बाई डी टी, इसको मैंने क्या सिखाया था, या तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर लिखेंगे डेरिवेटिव, या ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, एक ही बात है, ये भी रह गया। तो तीन चीज, तीन नाम हो गए ना, या तो रेट ऑफ चेंज, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, जो मर्जी नाम बोल दो, ठीक है। तो तीन नाम से ये आप ऐसे बोल सकते हैं, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ, एक ही बात है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का दूसरा नाम क्या है, डिफ्रेंसिएशन, शॉर्ट फॉर्म हो गया, बात खत्म, ठीक है यहां तक। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, तो या फिर अगर ऐसे आ जाए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड इज वन, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन, ये पहला फॉर्मूला नोट कर लें, तो वन ही रहेगा।
और मज़े की यही तो बात है, इसमें याद क्या करना है, कुछ भी नहीं, सारी अंडरस्टैंडिंग बेस ही तो है। तो घर जाके क्या रिवाइज करोगे, कुछ भी नहीं, दिमाग में पड़ गया तो पड़ गया, ख़त्म। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, देखते हैं शायद आप आंसर दे पाए, कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो क्या हो सकता है? जीरो लग रहा है आपको, और कितनों को जीरो लग रहा है? लग रहा है जीरो ही है। ऐसा क्यों लगा आपको जीरो? अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या किसका स्मॉल चेंज निकालना है? कांस्टेंट। अरे ये तो अजीब बात हो गई, एक तरफ कह रहा हूँ कांस्टेंट, एक तरफ कह रहा हूँ कांस्टेंट में चेंज, मतलब आप कितने साल के हो? 18, तो आपकी एज 18 है, और उसमें चेंज कितना है? भाई चेंज कैसे होगा, 18 है तो 18 ही तो है। तो कहने का मतलब कि जब वो चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर उसका स्मॉल चेंज क्या आएगा? जीरो, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या जाएगा? जीरो। अच्छा ऐसे ना सही, ऐसे सही। एग्जाम्पल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑलवेज जीरो। भाई जब कोई नंबर ही आ गया, नंबर तो नंबर है ना यार, इसमें चेंज क्या होगा? साथ में क्या चेंज है? कुछ भी नहीं, साथ तो साथ है, तो नंबर में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या है? जीरो। तो न्यूमिनेटर जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली पूरा आंसर जीरो। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोई नंबर आ जाए, नीचे कुछ भी हो सब चलेगा जीरो, नीचे कुछ भी हो सब चलेगा जीरो। ये देखो जीरो जीरो जीरो, सब जीरो। तो अगर कोई नंबर आता है उसकी डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसका रेट ऑफ चेंज ही नहीं होगा। तो दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है? ठीक, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे अपने पास बुला सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया, और मुझे छोड़े ना जब तक आंसर्स नहीं सही बैठे, क्योंकि सबसे काम की चीज़ यही है, हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2-3 एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप आराम से लिख लेना, फिर आप करके दिखाना, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको पावर रूल बोलते हैं, पावर, पावर रूल है। तो पहले मैं एग्जांपल करवाऊंगा, फॉर्मूला बाद में करवाऊंगा। तो एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। रूल नंबर 1, आप प्लीज इस x को इस x के साथ काटे ना, x की क्यूब ना कर दें, ये नहीं कटते, मतलब ये कटिंग नहीं हो सकती इसकी, ये ऊपर वाली टर्म अलग है, नीचे वाली टर्म अलग है, ये ऐसे काट कट कटना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले x की जो पावर है वो कितनी है? 4, पावर रूल है ना, तो पावर को नीचे लिख लो 4। x की जो भी पावर है यहां लिखो, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ही करना है। तो पहले पावर नीचे उतार ली, x की जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर दिया। फिर इमेजिन करो कि 4 अगर ना होता, या 4 पे हाथ रख लो, तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ dx by dx। तो जो भी आपको दिखता है उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, वो अलग बात है कि इसका आंसर क्या है? 1। तो आंसर आ गया 4 इंटू एक्स की पावर 3। फिर देखो d by dx ऑफ x की पावर 7, सबसे पहले पावर नीचे, x की पावर 7 माइनस 1, 7 पे अगर हाथ रख लें तो क्या दिखता है? dx by dx, तो dx by dx जो कि क्या होता है? 1। आंसर आ गया 7 into x की पावर 6। आप नोट कर लें, फिर और करते हैं।
तो देखो एक्चुअल में ये कहाँ से बना या इसको इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैंने नहीं करवाया, फॉर्मूला आप खुद बताओ क्या होगा ये लो। तो फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो क्या लिखूं बोलो, पावर क्या है? एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। एन पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा? डी एक्स बाय। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है। तो टीचर ऐसे करवाते हैं, काफी टीचर्स ये फॉर्मूला लिखवाते हैं, फिर कहते हैं अगर x की पावर 2 है तो यहाँ 2 2 पुट कर दो, 3 है तो 3 3 पुट कर दो, 4 है तो 4 4 पुट कर दो, 5 है 5 है, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है यहाँ तक? तो करें इसकी प्रैक्टिस कुछ, कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो एग्जांपल लिखें, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 8 d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। पहला तो सिंपल है, 8 इंटू एक्स की पावर 7, एक कम हो गई, और 8 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा? डी एक्स बाई डी एक्स, ऑब्वियसली वो टर्म क्या होती है? 1। तो आंसर आएगा 8 इंटू एक्स की पावर 7। सबका हो गया ये? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ, एक काम करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ लिख दो। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ। अब पावर क्या है एक्स की? हाफ। तो पावर नीचे उतारो, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन। पावर पे हाथ रखेंगे वो अलग बात है कि डी एक्स पे डी एक्स फिर से क्या होता है? 1। तो आंसर आ गया हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। यहां तक छोड़ दो कोई, इट्स ओके, चलेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक। तो एक पावर नीचे उतार के एक्स की पावर को एक माइनस कर देना है। ठीक, कितने को आ गया था ये? आ रहा है। लास्ट करो, पावर नीचे उतारो 3/2, एक पावर माइनस करो। तो क्या आएगा? 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। तो 3/2 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा? डी एक्स बाय डी एक्स, जो कि क्या होता है? 1। तो 3/2 एक्स रेज टू पावर कितना? हाफ आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे सॉल्व? ठीक है, राइट? कोई डाउट किसी को इसमें? और कर लेते हैं प्रैक्टिस, आज इसी की प्रैक्टिस होनी है बस। जितना हाथ इसमें बैठेगा उतना ही ज्यादा फिजिक्स सही चलेगी आगे। ठीक है, फिर देखो ये लो करो, d by dx of 1 by root x d by dx of cube root x।
तो देखो इसमें क्या करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस हाफ अंडर रूट है, अंडर रूट हाफ है, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ। हाँ फिर एक ही बात है, एक ही बात है, आंसर तो ये आएगा फिर भी, ठीक है। तो पावर रूल लगाएं, माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस वन, क्योंकि जो भी पावर नीचे आ गई x की जो भी पावर है वो वन सब्ट्रैक्ट हो गई। मेरे ख्याल से ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर पे हाथ रखेंगे dx बाई dx क्या होता है वन, तो आंसर आ गया माइनस हाफ x रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू। कितने लोगों का ठीक है ये हो गया था, ठीक है समझ में आ रहा है राइट। फिर देखो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर बोलो क्या है यहाँ पे, वन बाई थ्री क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब वन बाई थ्री, तो क्यूब रूट इज वन बाई थ्री, तो क्या आएगा वन बाई थ्री एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन। वो अलग बात है कि dx बाई डी एक्स वन होता मैं लिख नहीं रहा, तो आंसर इज वन बाई थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस टू बाई थ्री। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पावर रूल समझ में आता है। एक और फॉर्मूला लिखते हैं लास्ट, फिर इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लास्ट नहीं, एक दो फॉर्मूलाज और हैं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला फॉर्मूला ठीक, तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर क्या है, फोर फोर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ, एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे 5 इंटू एक्स की पावर 4, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंट भी है और यहां पर वेरिएबल भी है। अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट होता तो आंसर 0, अगर x की पावर 4 होता तो पावर रूल सिंपल, पर दोनों हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, वेरिएबल को नहीं निकाल सकते, तो क्या बचेगा x की पावर 4, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, अलाउड है। जब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बस ये बचेगा। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, क्योंकि ये तो सॉल्व करना में आता है, तो क्या लगेगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, और 4 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा dx बाय dx, वो तो ऑब्वियसली 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा 20 इंटू एक्स की पावर 3, सिंपल। मतलब कुछ नहीं करना, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेना है, बाकी पावर रूल है, मल्टीप्लाई कर देना है। और यहां पर जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करके फिर आंसर में भी डिफ्रेंसिएशन आती है और फिर सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब डिफ्रेंसिएशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन का आना, चेन बनना। तो वैसे नाम बता रहा हूँ पर अदरवाइज जरूरत नहीं होती चेन रूल की, मतलब वर्ड याद है तो भी ठीक, नहीं तो करना तो आ ही रहे, ठीक। जैसे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई एक्स, कर सकते हो ट्राई, क्या करोगे 7 को बाहर निकाल लो कॉन्स्टेंट, फिर देखो 1 बाई एक्स बचेगा, सेवन बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच गया 1 बाई एक्स, 7 बाहर रहने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा रेज टू पावर माइनस 1, राइट। फिर पावर रूल, 7 को ऐसे रहने दो, माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 ही होता है, तो आंसर इज माइनस 7 एक्स की पावर माइनस 2। क्या स्टेप क्लियर है, x की पावर माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2 और ये माइनस 7, क्लियर है यहां तक। कोई डाउट इसमें, किसी ने पूछा दूसरे बैच में आज
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वैसे? चलो वो मैं सिखा तो दिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है? वैसे मैंने करवाना नहीं था, पूछा तो बता देता हूँ, बुक्स में ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स की पावर एन, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट। तो बताओ क्या करेंगे, ए को बाहर लिख लेंगे तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या बनेगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू, पर मेरे को लगता है ये फॉर्मूला याद कौन करेगा, और वैसे नहीं ठीक, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के फेंक दो, बाकी हो गया, वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया, पर बुक्स में लिखा होता है ये फॉर्मूला, लिखना है लिख लो, जरूरत नहीं है वैसे, चाहिए ही नहीं, बोलो। हम लिखते क्यों हैं, हम लिखते क्यों हैं, सही है, वो कह रहा है डी एक्स बाई डी एक्स वन ही होता तो लिखते क्यों हैं। अभी ना अगले लेक्चर में ना जब हम कर रहे होंगे तो मैं आदत पड़ जाएगी वन लिखने की, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें वन नहीं आएगा, पर बताऊंगा नहीं, पहले फंसाऊंगा, ठीक। अगर वन ही होता तो हम लिखते क्यों हैं, सही क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ये वन नहीं होता, वो कब नहीं होता वो लेक्चर का पार्ट है, अभी वन चलने दो, अपने मन में जरूर बोलिया करो वन आ गया, लिखो मत कोई बात नहीं, पर जिस दिन ना आया कम से कम पकड़े तो जाओगे कि नहीं आया, अगर छोड़ दोगे इसको फिर वन ही रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और आपस में ऐड हो रही हैं और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो रूल ये है कि डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ और ओपन कर दो ब्रैकेट, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, राइट, अलाउड है, डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करके खोल दो। अब ये दो क्वेश्चन बन गए डिफरेंशिएशन के, पहला क्वेश्चन ये, पावर नीचे एक्स की पावर ए कम, पावर नीचे एक्स की पावर ए कम, आंसर आंसर कुछ भी नहीं करना, ओपन करके दो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर दो आंसर, ठीक, हो नहीं सकते ना, एक एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू है, ठीक है। और अगर यहां पर माइनस होता तो ये माइनस, तो ये माइनस हो जाता, तो किसी ने कहा इसका फॉर्मूला क्या है, तो लिख लो फॉर्मूला, बुक्स में लिखा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, अगर दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, इज रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, क्या करोगे फॉर्मूला याद करके, ये ऐसे तो ठीक ही तो है, मल्टीप्लाई करके ओपन ही कर दो, पर हाँ फॉर्मल तरीका लिखने का वही है, ठीक है। तो करें एग्जाम्पल, ये लो करो, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस सेवन बाई एक्स,
देखो जब इसे ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म. आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना, डी बाई डी एक्स ऐसी रहने दो. तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना माइनस टू. और इसको तो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो. तो पावर रूल, टू इंटू एक्स की पावर वन माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री. तो टू एक्स, टू एक्स माइनस टू बाय एक्स का क्यूब, क्योंकि नीचे गया एक्स का क्यूब हो गया. तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं. क्वेश्चन पूछ कौन रहा है तुमसे? ये कौन सा पेपर में आना है? ये तो अपनी प्रैक्टिस है. तो आपको सिर्फ ये स्टेप आना चाहिए, हाउ टू रिमूव डी बाई डी एक्स, बस. और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, छोटे आते हैं यार, एक स्टेप इतने बड़े बड़े आते नहीं है, छोटे 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 छोटे. तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको, आपका डर आगे से खत्म ही हो जाए, तो आपको कैलकुलस से कोई डर ना बचे. बस पता लगे कि हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें, वहाँ जाके बढ़ा जाए आपको ये क्या हो गया यार, मुश्किल क्वेश्चन है. अब कम से कम क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कैलकुलस का, आप कर लोगे. ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे. जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन बाई एक्स. तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस सेवन बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको हाफ लिख लिया, ये ऊपर गया तो माइनस हाफ हो गया, सेवन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वन बाई एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन. यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पावर रूल तो पता ही है, एंड में पावर रूल आएगा. तो इसमें अगर हम पावर रूल लगाएं तो हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन माइनस माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस वन प्लस सेवन माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस टू. ऐसे होगा ना? देखो ना, पावर नीचे एक पावर कम, पावर नीचे एक पावर कम, पावर नीचे एक पावर कम, पावर रूल. तो इसमें आएगा हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन एक्स की पावर माइनस टू. दिस इज द आंसर. मेथड समझ में आ रहा है सबको? प्रैक्टिस ही तो है. ठीक, ठीक है, फिर करो. डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फोर, थ्री इंटू है ये, हाँ थ्री इंटू रूट एक्स है, ये क्यूब रूट है, ये थ्री इंटू रूट एक्स है. डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स रेज टू पावर 1/3 किया, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब हाफ माइनस, इसको क्या लेना, ये तो जीरो आ रही है, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, तो 1/3 एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू हाफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1, तो 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 प्लस 3/2 एक्स की पावर माइनस हाफ आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, मैथ की क्लास लग रही है ना फिजिक्स की जगह, चलो फिजिक्स पे वापस आते हैं। हम एक प्रॉब्लम में फंस गए थे, एवरेज वेलोसिटीज हमें निकालनी आती है, इंस्टेंटेनियस नहीं आती, चलो अब इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। तो न्यूटन ने क्या सोल्यूशन निकाला, पहले ये कैलकुलस निकाला, अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएगा, देखो कैसे। वापस चलते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम ये है कि सपोज एक कार मूव कर रही है एक्स एक्सिस पे कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1। आपने कहा ये कैसे डिस्प्लेसमेंट है, देखो अगर टाइम जीरो है, टी फॉर टाइम, स्टॉप वॉच में जब टाइम जीरो है तो 0 + 0 + 1 = 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। जब टाइम 1 सेकेंड है तो 1 + 1 + 1 एक्स कितना है 3। जब टाइम 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 = 6 + 1 = 7, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला बोलो क्या है, dx बाय dt। तो लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाय dt। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक्स की जगह जो वैल्यू थी पुट कर दिया, राइट। अब आपको कैलकुलस आता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी सिखाया मैंने, तो इसको कैसे, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाय डी टी ऑफ सेकेंड टर्म डी बाय डी टी ऑफ थर्ड टर्म, तो क्या आया 2t + 1 + 0। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, 2t + 1, राइट। अब इसका मतलब क्या है, जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी क्या थी 1, जब टाइम 1 सेकेंड है तो 2 + 1 क्या हुआ, वेलोसिटी क्या थी 3, जब 2 सेकेंड है तो 5, जब 3 सेकेंड है 7। तो आ गई ना इंस्टेंटेनियस, आप जो मर्जी टाइम की वैल्यू पुट कर दो वेलोसिटी निकाल देगा, है कि नहीं कमाल की चीज कैलकुलस। अब आप किसी भी टाइम पे, आप टाइम बताओ ना मुझे गाड़ी का, टाइम t इक्वल टू 0.0001 सेकेंड पुट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता है ये फॉर्मूला। ये फायदा है कैलकुलस का, समझ में आया कैलकुलस क्यों निकाला। अब हम किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, जैसे इसके कॉन्टिन्यूएशन में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, इसी क्वेश्चन में फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी में यहां पर टी की जगह 10 पुट कर देंगे तो 20 + 1 कितना आएगा, 21 m/s डन। ऐसे निकलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे निकलेगी ये वेलोसिटीज? अब आपको ना क्वेश्चन में x देगा, वो x टाइम की फॉर्म में देगा, फिर आंसर आएगा।
मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं. सपोज क्वेश्चन इज इफ डिस्प्लेसमेंट इज टी प्लस वन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 10 सेकेंड. सेम क्वेश्चन निकालो, लिखो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. वन तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? डी एक्स बाय डी टी. तो डी बाय डी टी ऑफ एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? टी प्लस वन. तो वी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ वन. तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 आंसर क्या आया? 1 मीटर पर सेकेंड. पर एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, इसमें टाइम तो आया ही नहीं. इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है. टाइम जो मर्जी पुट करो वेलोसिटी विल रिमेन 1. तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या रहेगी? 1. तो इसको बोलते हैं दिस इज अ केस ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हर वक्त वैल्यू क्या देगी? 1. ठीक है यहां तक? आई कांस्टेंट गई तो क्या कर सकते हैं? ठीक, देखो x की वैल्यू हम दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं. तो फॉर्मूला लिखा, x की जगह पुट कर दिया t प्लस वन, ओपन किया d बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी 1, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, आंसर 1 आ गया. अब इस वेलोसिटी में टाइम नहीं आ रहा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट आ रही है 1, तो हर वक्त वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन सेम. ठीक है यहां तक? ठीक है, एक और कर लो. ये लो, इफ y डिस्प्लेसमेंट, देखो x हो या y हो कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज गिवन एज t स्क्वायर प्लस 2/t माइनस 1 फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड. तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? dy वाई बाई डी टी. क्या फर्क पड़ता है dx बाई डी टी, dy वाई बाई डी टी? तो dy बाई डी टी ऑफ y की जगह क्या पुट करें? t स्क्वायर प्लस 2/t माइनस 1. तो dy बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी ऑफ 2/t माइनस dy बाई डी टी ऑफ 1. तो dy बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर माइन, इसको तो लो मत, 0 हो गया है तो ठीक है, बात खत्म. ठीक, तो इसमें 2 इंटू टी की पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं. तो 2t माइनस 2 टी की पावर माइनस 2, यही हो गया ना? ठीक, तो क्या बनेगा? 2t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर.
अब उसने टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, ये बना वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप टाइम को 1 पुट करो तो v इज इक्वल टू 2 × 1 − 2। हाँ बिल्कुल सही, आंसर क्या है 0, सही है, 0 0 ने निकाला, सही निकाला। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक ही तो तरीका है, डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। फिजिक्स तो पीछे रह गई ना, फिजिक्स में तो कुछ रहा ही नहीं, अंदर का पार्ट मैथ में घुस गया है कि नहीं।